खरगोन जिले के झिरनिया जनपद में सीमावर्ती वन क्षेत्र के गांव गौला में बाघ के हमले में घायल संतोष भास्करे की गुरुवार को मौत हो गई है। उसे बुधवार शाम जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। गेहूं के खेत में बाघ नजर आने से हड़कंप मचा हुआ है। DFO के मुताबिक फिलहाल बाघ के क्षेत्र में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वन अमला मॉनिटरिंग में लगा है। DFO प्रशांत कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र में घना जंगल नहीं होने और इससे पहले क्षेत्र में बाघ होने की कोई पुष्टि नहीं होने से वन विभाग को यह बाघ महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व या येवला सेंचुरी से भटक कर आने की संभावना है। वन विभाग के खरगोन और खंडवा वन परिक्षेत्र के अधिकारी और इंदौर से आई रेस्क्यू टीम के लगभग 100 कर्मचारी अलग अलग समूह में बाघ की तलाश में जुटे हुए हैं। बाघ से ज्यादा परेशानी होने पर रेस्क्यू करेंगे। वहीं मृतक के परिवार को भी सहायता दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि गेहूं के खेत से भागते समय गांव के किसान संतोष भास्करे को कान के पीछे बाघ ने पंजा मारकर घायल कर दिया था। उसे पंधाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था, जहां इन्फेक्शन फैलने से हालत बिगड़ने पर उसे इंदौर रेफर किया, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। शाम को जबरदस्ती उसके पास चला गया बाघ। झिरनिया गौला गांव है उसके आसपास, वहां पर परसों से बाघ दिखाई दे रहा है। उसी एरिया में बाघ का मूवमेंट है और परसों जहां खेत में बाघ दिखा था वहां आसपास काफ़ी भीड़ हो गई थी ग्रामीणों की। समझाइश के बाद भी लोग बहुत नज़दीक जा रहे थे बाघ के, तो बाघ ने एक के व्यक्ति को संतोष नाम के उसको एक पंजा मार दिया था, तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया था खंडवा हॉस्पिटल पर। शायद इन्फेक्शन उससे ज़्यादा फैल गया और फिर इंदौर जाते समय रेफर किया गया था, वहाँ फिर रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। सर कहाँ से आया कुछ पता? बाघ अनुमानित खरगोन में तो है नहीं हमारे ज़िले में बाघ, लेकिन संभवतः ये महाराष्ट्र लगा हुआ है बॉर्डर उधर से, पास में 20-25 किलोमीटर येवला सेंचुरी भी है उधर, तो संभवतः वहीं से आया होगा ये बाघ। कब क्या सर्चिंग की जा रही पकड़ने के लिए? अभी तो मॉनिटरिंग उसकी कर रहे हैं हम लोग कि किस एरिया में है और वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण होते हैं उनको समझाइश देते हैं कि सावधानी से रहें। और बाघ तो क्या है, विचरण करता है फिर अपने आप अपने जो मूल स्थान है वहाँ लौट जाता है, तो अभी बस उसको हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाघ को रेस्क्यू के लिए कितनी टीम लगी है सर? अभी रेस्क्यू का नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाघ अपने आप ही अपने वापस चला जाता है। रेस्क्यू करना तो लास्ट ऑप्शन है, अगर ज़्यादा ही समस्या है बाघ यहीं रुका हुआ है यहाँ से नहीं हट रहा है तब रेस्क्यू तो करेंगे। अभी किस क्षेत्र में यह संभावना जताई जा रही है? अभी तो वही है, वो जो गौला गांव है झिरनिया के पास उसी के आसपास है अभी। सर एक युवक की मौत भी हुई है बाघ के हमले में, तो क्या उसको विभाग द्वारा कोई आर्थिक सहायता है कुछ? हाँ, इसमें सरकार का प्रावधान है 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का, तो उसको दिया जाएगा 8 लाख रुपये। ठीक, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।